सतना जिले में झोला छाप डॉक्टर बिना किसी डिग्री के चला रहे हैं क्लिनिक। ऐसा ही एक डॉक्टर रामपुर बघेलान में शिव क्लिनिक के नाम से अपनी दुकान चला रहे हैं। इन झोला छाप डॉक्टर बिना किसी डिग्री के अपने नाम के आगे डॉक्टर एसएन वर्मा लिखते हैं। जब आज हमारी पुलिस वाला की टीम ने इनके क्लिनिक में दस्तक दी और इनसे इनकी डिग्री के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि आयुर्वेद से इन्होंने डिग्री ली है, पर जब हमने दिखाने को बोला तो इन्होंने ये कहकर टाल दिया कि डिग्री घर पर रखी है। आयुर्वेद की डिग्री बता के डॉक्टर साहब एलोपैथिक का इलाज कर रहे हैं। जब हमने सवाल जवाब पूछना तेज किए तो अपने रसूख के चलते उन्होंने एक पत्रकार को बुला लिया हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए। जब हमारे ऊपर उस पत्रकार का भी दबाव नहीं पड़ा तो उन्होंने एक स्थानीय नेता को बुला लिया। फिर भी बिना किसी दबाव के हम उनसे सवाल करते रहे, पर किसी भी सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। दस्तावेज के नाम पे उन्होंने एक दस्तावेज केवल दिखाया। जब भी झोला छाप डॉक्टरों की शिकायत आती है तब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कई कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, जैसा आपको विदित ही होगा कि अभी बिरसिंहपुर में शिकायत आई थी तो हमने उसकी क्लिनिक बंद कर दी थी और बहुत बड़ा केसेस स्टार्ट हो गए थे। इसी प्रकार मझगवा में भी कार्रवाई हुई है, मैया में कल ही मैंने कार्रवाई के लिए बोला है। तो जैसी शिकायतें आती जाती हैं हम तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और जो नियमता है यदि उनके पास डिग्री वगैरह नहीं है तो क्लिनिक बंद करवाते हैं। कई जगह हमने देखा है कि आयुर्वेदिक का रजिस्ट्रेशन करवा के प्राइवेट दवाइयों का इलाज करते हैं। ये कहना सही है आपका कि आयुर्वेदिक का रजिस्ट्रेशन करके वो मतलब एलोपैथिक दवाइयाँ करते हैं, और इसमें मैंने जो है एक दो जगह कार्रवाई की है, लेकिन ये कहना सही है। सर कल ही एक मामला आया था, हमने जो है कवरेज की थी जो कि रामपुर बघेलान का है, जहाँ पे एक डॉक्टर एसएन वर्मा करके वो अपना एक क्लिनिक ऑपरेट कर रहे हैं करीबन एक से डेढ़ साल से। जब हमने उनसे संबंधित डिग्रियां मांगी तो उनके पास कोई डिग्री नहीं, तो उन्होंने बोला हमारे पास आयुर्वेद की डिग्री है। जब हमने उनसे दिखाने की बात की तो उन्होंने बोला भी नहीं घर पे है। उसके बाद उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट दिखाया जिसमें कि कंपाउंडर लिखा हुआ था। तो क्या सर कंपाउंडर को ये अधिकार है कि वो डॉक्टर शब्द का उपयोग कर सके अपने नाम के पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर जैसे अभी जो क्लिनिक चल रही है इसके ऊपर अभी आप क्या कार्रवाई करेंगे? अगर ये शिकायत सही है तो मैं उसको जो है उस पर कार्रवाई करूंगा, उसकी क्लिनिक बंद करवाऊंगा। बिल्कुल सर, इसके हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत भी हैं जिसपे हमने उन्होंने वीडियो बनाने से तो हमें रोक दिया था, लेकिन हमने वहाँ पे एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसका बकायदा उसमें वीडियो है, जिसमें मरीज आ रहे हैं और वहाँ पे बकायदा इलाज कर रहे हैं और उनसे मोटी मोटी रकमें जो है ली जा रही। इस तरह के दो तीन मामले सर और भी आए हैं रामपुर बघेलान के, तो सर कब तक इन पे कार्रवाई होने की संभावना है? मैंने जिला स्तरीय एक कमेटी बनाई है, इसमें जो हमारे DHO 2 हैं डॉक्टर चरण सिंह, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी है 3 सदस्य। जब कभी भी ऐसी शिकायतें आती हैं तो हम तुरंत उनको जो है कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं, और जो वहाँ से आउटपुट आता है और वहाँ से जानकारियाँ आती हैं, उनका सजेशन आता है, उसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। एक क्लिनिक चलाने के लिए किन किन जो है डिग्रियों की मेन आवश्यकता होती है? रोजोपचार अधिनियम बना हुआ है, उस अधिनियम के तहत हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके तहत रजिस्ट्रेशन पे। इसके अलावा किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो अवैध है? यस, अवैध है। और आयुर्वेद वाला भी सर एलोपैथिक दवाई का उपचार नहीं कर सकता ना? ये तो कहना सही है आपका, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अभी तक हमारे